शांत रहो मोटुआ। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन करें कल? चार को ना, लास्ट में कराए थे कि प्लेट प्लेट वाला ना, कि हम किलोग्राम के प्लेट पर कितना बुलेट पड़ सके फायर किया जाए ताकि प्लेट गिरना। उसी ढंग का एक सवाल और करा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ध्यान से सब सुनेगा। तुम लोग गांव में खेला है कि नहीं टिप्पो? टिप्पो अलग हुआ, पिट्टो अलग हुआ है। टिप्पो में हुआ कि गोटी सरियावल रहा है, एक पार्टी ब्लॉक गोटी में मारता है बॉल से, मारा है कि नहीं? हाँ। अगर गोटी गिर गया तो फिर भागे कर रहा है, अगर नहीं गिर लाओ तो आंटी पार्टी वाला भाई इधर कैच करेगा, मारेगा कि तो भी कैच कर रहा है इधर से। हाँ बोले कि नहीं? ये हो गए पहले टिप्पो, क्यों हो गए? अगर इसको टिप दिया गिर गया उसके हो जाए पिट्टो, उसके बाद मारना। तो ध्यान से सुनो ये बात, समझो कि ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है और बॉल आया इधर टकराया फिर इधर चला गया, कोई कैच उच किया होगा अपना। तो बॉल जब जमीन से संपर्क में रहा तो कॉन्टैक्ट टाइम, कौन टाइम बराबर बोलो। हाँ मैंने बॉल जमीन से कितना देर संपर्क में रहा। हाँ तो जैसे पिछले मैं करा रहे थे चैप्टर में, मैंने पिछले क्वेश्चन में वैसे ही करवाएंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या है और हमारा फिर फोर्स क्या है, सब बात निकालेंगे धीरे धीरे। सब ध्यान से सुनेगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलेगा। हम पहले आपसे निकलवाने जा रहे हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल। क्या निकलवाने जा रहे हैं? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल। सब ध्यान से सुनो, क्या इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल वाला जो डायरेक्शन है ऐसे है? देखो देखो, एम मास का बॉल भी भेलो ऐसे ना रहा था, एम मास का बॉल भी भेलो ऐसे ना रहे जी। ये इनिशियल मोमेंटम, कौन मोमेंटम? मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलो, मोमेंटम हुआ मास इनटू वेलो। लेकिन ध्यान से सुनिए आप, मोमेंटम बराबर एम भी, मोमेंटम बराबर, मोमेंटम बराबर एम भी कॉस थीटा माइनस जे, बुझा रहा कि नहीं? एम भी कॉस थीटा, एम भी साइन थीटा आई, आई के माइनस आई, प्लस आई और नीचे। हाँ नहीं बुझाए तो हम तोड़ देंगे और थोड़ा सा। एम भी है ना, आज देने से चिट्टा होने बनते ना, कॉस चिट्टा खलिका देने, एम भी कॉस चिट्टा माइनस जे, एम भी साइन चिट्टा। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है फिगर, थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है, तो आप ये फिगर को ऐसे बना सकते हैं कि बॉल इधर न जा रहा है, एम मास का बॉल अभी भेलो, चूंकि कौन थीटा है तो भी कौन कितना होगा। अब आपको तोड़ने में और सुविधा होगा, अब ज्यादा अच्छा बुझाएगा। एम भी कॉस थीटा, एम भी साइन थीटा, अब बुझा रहे ना? इधर एम भी होली ना मोमेंटम, एम भी कॉस है कि साइन थीटा? एम भी, एम भी कॉस थीटा, एम भी साइन थीटा। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर एम वी कॉस थीटा माइनस जे और एम वी साइन थीटा आई कैश। वाह वाह, एम वी कॉस थीटा और एम वी साइन थीटा आई हो गया है। अब हम बात करेंगे फाइनल मोमेंटम, कौन मोमेंटम? हाँ इसको अच्छा से करा देते हैं फिर हम लोग देखेंगे बाद में। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल। अब क्या निकालेंगे हम लोग? फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल। क्या फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल इधर है? अरे भी भेल लो, कितना मास का, कितना कोण पर भाई, टिट्टा कोण पर। अब आप बोलिए कि एम भी कॉस टिट्टा, सब बोलो अच्छा से, एम भी कॉस टिट्टा जे कैप और एम भी साइन टिट्टा आई कैप। ये हो गया फाइनल मोमेंटम।
तो फिर हम निकालते थे चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालते थे? चेंज इन मोमेंटम किसका बराबर फाइनल मोमेंटम बॉल का माइनस इनिशियल मोमेंटम बॉल का। सही है? आपको अच्छा लेसे कर देते हैं, फाइनल मोमेंटम को जरा लिखते हैं, एम वी कॉस थीटा जे प्लस एम वी साइन थीटा आई कैप। क्या फाइनल मोमेंटम हुआ? माइनस इनिशियल मोमेंटम हुआ। सब बोलिए एम वी कॉस थीटा माइनस जे एम वी साइन थीटा आई कैप। सही कि नहीं? तो एम वी कॉस थीटा जे कैप आई माइनस माइनस एम वी कॉस थीटा जे कैप फिर से बराबर टू एम वी कॉस थीटा जे कैप। टू एम वी कॉस थीटा और एम वी साइन थीटा आई कैप में घटेगा एम वी साइन थीटा आई कैप। तो कहानी इसका मतलब सिर्फ कितना बचा ये चेंज इन मोमेंटम। तो फिर हम निकालते थे कि फोर्स ऑन बॉल माने बॉल पर लगने वाला बराबर चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम। तो 2mv cos थीटा j कैप में हम लोग भागा कितना से देंगे? डेल्टा टी से। कितना से भागा देंगे? ये हो गया चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम। फोर्स हुआ कि नहीं? ये फोर्स किस पर निकला? किस पर निकला? किधर लगा? क्या जे? हाँ, मतलब कि बॉल पर बल कहाँ लगा? बॉल जब ऐसी जमीन में जाके टकराया ना इसे यहाँ पर, तो बल कहाँ लगा? ऊपर की ओर बल लगा। लगा लगा देख लिया? तो बताओ कि जमीन पर बॉल कहाँ लगा? ग्राउंड पर। ग्राउंड पर, हाँ वही जमीन पर। ग्राउंड पर बल किधर लगेगा बोलो? यही वाला ना, टू एम बी कॉस थीटा माइनस जे बटा। समझ आया कि नहीं? इतना बल लगा बॉल पर किधर की ओर? हाँ ऊपर की ओर, जे की ओर। और उतना ही बल लगा फिर जमीन पर किधर की ओर? नीचे की ओर। मतलब जिस समय बॉल यहाँ से टकराया था तो ग्राउंड ने बॉल पर कहाँ बल लगाया? ऊपर की ओर बल लगाया। सही कि नहीं? लिखो। समझा गलो ना? छाप डाला से छापला के बाद तो ऐसे नहीं नान से बैठ जाए से कि वाह इतना सब क्लियर है ले। तो एक दिन हो कहीं में कस के एकदम गर्दा उड़ा दो थोड़ा। चल देखो यहाँ सब जितना हम फॉर्मूला बताए थे सब पर क्वेश्चन कराएंगे। कब वो अभी हम करवा रहे थे, आप देखिए कि बार बार चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम करवा रहे लेकिन ठीक। आपको सवाल देखो दूसरे ढंग का, सब यहाँ सुनेंगे। मान लीजिए कि 2 किलोग्राम का एक वस्तु है, 2 किलोग्राम का एक जो 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया था और 5 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के अब इसका जो वेलोसिटी है 2 किलोग्राम के वस्तु का अब हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड। 2 किलोग्राम का एक वस्तु का स्पीड कितना था? 5 सेकेंड के बाद कितना हो गया है? आपसे पूछा गया कि आप बताइए फोर्स, फाइंड फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। बताओ कि 2 किलोग्राम बल पर कितना बल लगा? समझ आया सवाल कि नहीं? आप इत्मीनान से बना सकते हैं एक तो ऐसे कि फोर्स बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अरे फोर्स बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा पी का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस बटा डेल्टा टी। फाइनल मोमेंटम बोलिए तो 20 × 40 आई कैप, इनिशियल मोमेंटम बोलिए तो 10 × 20 आई कैप। समय लगा भैया 5 सेकेंड तो 5 × 4 = 20, 4 आई कौची में बल का मात्रक जब डायमेंशन मेंशन हो गई ना, सीजीएस मात्रक डाइन 1 न्यूटन में 10 के पावर। इस सब बात पर बहस नहीं होगा। हो गए? या तो आप ऐसे बनाइए ना जी, फोर्स बराबर मास इनटू एसे, और एक्सीलरेशन निकालिए फॉर्मूला से, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। समझ आया कि नहीं? हाँ।
देखो हम एक चीज और थोड़ा सा बेसिक बात है वो सिखा देते हैं, कभी अगर ऐसा लगे तो काम पड़ेगा, तो अच्छा लगे बनाने में आपको। कितना बच्चा को ने पता नहीं चलता कि कने प्लस लेना और कने माइनस, अगर नहीं पता चले तो तरीका हम सिखा रहे हैं। थोड़ा मन करे तो इसको कैसे बना सकता है, थोड़ा मन करे तो मान लो कि इधर प्लस आ इधर, मन करे मान लो कि इधर माइनस आ इधर प्लस, बनाओ। देखो दोनों आंसर सेम है, इस पर दिमाग नहीं लगाना होता है, करने प्लस करने जे इच्छा हो जे करिए आंसर सेम आएगा। अब देखिए हाँ, इस हमको मोशन स्टेट लाइन में सब बात बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लगा कि जो बेसिक बात है पहले सीख लो। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये याद रखो आप मन करे ऐसे बनाओ, मन करे ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम बनाते हैं एन ए प्लस एन ए भी होने हो कि नहीं, तो भी के लिख प्लस 20 प्लस, ये इधर है ना प्लस में 10, ए के मान पता है, पता करेक्ट है भी, आटी के मान 5, तो क्या 10 बराबर 5 है, तो ए बराबर कितना ही लो, दो प्लस में लो कि माइनस में, रमेश जी मतलब थोड़ा आगे कि पीछे, समझ आया कि नहीं। तो ए ऐसे बनाओ, एने की बना लिया तो रखी लिख में भी के आयु के माइनस है ना, इधर वाला की बना लिया है, तो 20 माइनस में 10 भी, ए के बारे में तो पता नहीं है जी, तो कितना है थे माइनस बराबर कितना, तो ए बराबर बोल माइनस कहाँ हो, माइनस किधर है, माइनस किधर है आगे ना, मतलब ए बराबर 2 किधर की ओर, आगे की ओर, प्लस नहीं आगे की ओर, बुझाया कैसे सुनाओ ये बात, लगे तुरंत आगे की ओर 2 है, अले कि नहीं ले, तुरंत किधर की ओर 2 है, आगे की ओर, मतलब आई कैप, मतलब इसलिए 2 × 2 आई कैप बराबर 4 आई कैप, समझ आया कि नहीं, 2 × 2 आई कैप बराबर 4 आई कैप, कुछ इस पर अच्छा लगा समझने में, बेसिक बात है आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना करने प्लस करने, अपने मन से तय कर ले कि एन प्लस एन माइनस या एन प्लस एन जो करना करते जाओ, फिर अपना समझना माइनस एन प्लस एन, समझ आया कि नहीं। इसी ढंग का एक सवाल और करवाते हैं हम कि 2 किलोग्राम का बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और टी बराबर 2 सेकेंड के बाद, क्या सेकेंड के बाद, यही 2 किलोग्राम का बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे लौटने लगा, एक 2 किलोग्राम का बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, 2 सेकेंड के बाद 10 के स्पीड से अभी पीछे आने लगा, बताइए कितना बल लगा, फाइंड फोर्स ऑन 2 किलो ब्लॉक, 2 किलो के वस्तु पर कितना बल लगा, ध्यान सुनिएगा आप एक मतलब मोटा मोटी बोले तो कुछ ऐसा पढ़ाया आपको लगता होगा जिससे कि हम पहले बॉल को दीवार पर मारते थे टकरा करके आ जाता था, नहीं अरे बस इतनी बात है, वैसे ही समझ के बना लो कि 2 किलो का वस्तु 10 से गया फिर 10 से लौट गया, लेकिन समय कितना खाया, पहले लिखा ली डेल्टा टी सेकेंड, डेल्टा डेल्टा टी कितना समय लो, 2 सेकेंड, समझ आ रहा है कि नहीं, तो अपना काम करते हैं सीधे जो बीसी वाले सिखा रहे हैं सब सिखा रहे हैं, एफ बराबर डेल्टा पी बाई फाइनल मोमेंटम माइनस बटा डेल्टा, बोलिए फाइनल मोमेंटम बराबर 20 माइनस आई, अरे बोलो फाइनल मोमेंटम बराबर 20, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलो, मास इनटू वेलो सीटी, 20 किधर की ओर, इनिशियल मोमेंटम बराबर अब बीच में अब बटा तो माइनस 40 आई कैप बटा 2 बराबर 20 माइनस आई कैप, सही ना, मतलब बल किधर लग रहा है, माइनस आई देने कई न्यूटन 20 न्यूटन, और तुम अच्छा से अब समझो, मान लिया कोई गाड़ी 10 के स्पीड से जा रहा था और तुम पीछे खींचा कई न्यूटन से, तो बताओ 10 के स्पीड से गाड़ी जा रहा तो पीछे खींच रही 20 न्यूटन से धीरे धीरे रुकवे ना करता है, तभी तो रुकते है और रुकला के बाद तुम खींच ले रह जाओ हेमू, तब रिमू उधर लगा स्पीड, वैसा ही हुआ होगा, 2 किलोग्राम का वस्तु 10 से जा रहा होगा और कोई पीछे मुंह खींच लिया एकदम,
घिजल हवा की हो गई, वो रुक ले रुक रहा, बादल सारा घिजल बंद, घिजल नहीं जा रहा है। अब ये नहीं, उधर लगो 10 के स्पीड सुना कि नहीं? दस का सुना बात है। एक सेकेंड में रुक गया होगा, एक सेकेंड में रुक गया होगा, 10 का स्पीड धीरे 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 रुक गया होगा, एक सेकेंड में रुक गया होगा, आप अगला सेकेंड में यानी 10 धर लिया होगा। समझ आया कि नहीं? खैर हम ऐसा बताते हैं कि फोर्स बराबर मास इनटू एसी, और लगाओ फॉर्मूला भी बराबर यू प्लस। हाँ, आपको बेहतर करने के लिए सब बात समझा रहे हैं, फिर आपको दो ढंग से समझाएंगे। अभी एन ए प्लस एन ए माइनस, मन करे तो एन ए माइनस एन ए। हाँ तो एक दो बार करते करते आपको रियाज हो जाएगा, तो लगेगा कि हाँ ऐसा हुआ है। तो बोलो ई बिरा बीस की ई भी का मान एन ए नहीं दस, एन ए की लिखा है तो लिख माइनस दस, ये एन ए है ना, एन ए की मान लिया है तो लिख प्लस दस। आया के मान तो पता नहीं भाई, बाटी के मान दो तो माइनस बीस बराबर दो है, ए बराबर माइनस दस, मतलब दस कहाँ पीछे। अरे बोल सही कि नहीं? माइनस माने इधर ना, अच्छा ऐसे बनाओ, आगे वाला माइनस है पीछे वाला, पीछे है ना तो प्लस में दस, आयु आगे है ना है ना माइनस, तो माइनस में दस। आया के मान पता नहीं, टी के मान दो, बीस बराबर टू है, ए बराबर प्लस में कि माइनस में, प्लस मतलब, प्लस मतलब बुझाया कि नहीं? हाँ, कभी आपको दिक्कत लगे कि प्लस माइनस नहीं बुझा रहा है, ये तरीका बेहतर तरीका है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आप ही तय करेंगे कहने प्लस कहने माइनस, सही कि नहीं? हम ही तय के लिए कि प्लस माने ने तो ले प्लस माने ने, माइनस मतलब आगे तो माइनस मतलब आगे, माइनस मतलब पीछे तो माइनस मतलब पीछे, सही कि नहीं? हम ही तय करते हैं सब। खैर तो रन का मान किधर आया? पीछे, पीछे मतलब दस माइनस आई, अरे दस माइनस बराबर बोल बीस माइनस, आंसर बोले कि नहीं? बस लिखो जल्दी से, चलो सुनो यहाँ, अभी हम फार्मूला लगाए थे भी बराबर यू प्लस ए टी, चलो देखो यहाँ अभी हम लोग फॉर्मूला लगाए थे भी बराबर यू प्लस ए टी, वैसे ही बहुत सारे और ढंग से एक्सीलरेशन का मान निकाला जा सकता है, जैसे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, ऐसे भी निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन, एस बराबर यू टी प्लस, इससे भी निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन। देखो सवाल करके इसे छोटा छोटा दिखा देते हैं हम, कि 2 किलोग्राम का एक बॉडी है जो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और अब इस 2 किलोग्राम के बॉडी का जो स्पीड है अब हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर दूर चलने के बाद पहले था स्पीड इसका 10, अब हो चुका है 20, कितना मीटर चलने के बाद, तो वही निकालना है कि फाइंड फोर्स, फाइंड किस पर, 2kg ब्लॉक पर ना। देखिए फोर्स बराबर मास इनटू एसी, हाँ फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू एसी, और एसेशन निकालने के लिए क्या लगाना चाहिए, ये स्क्वायर बराबर ही स्क्वायर प्लस, बुझा रहा है कि नहीं सर? तो बोलो भी स्क्वायर कितना आएगा, 400, यू स्क्वायर 100, और 2 है एस का मान भी 100, तो ये हो गया 300, 300 बटा 200 माने 3/2, ले लीजिए 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ अब सब नहीं करने जा रहे हैं, प्लस माइनस भैया ना ये ला, तो फोर्स बराबर बोलो मास इनटू एसी बराबर के न्यूटन, किधर की ओर आगे, इसे समझ आता होगा हम लोग को कि भी स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 2s लगाएं, ए का मान आया प्लस 3/2, इसका मतलब देख लो 10 से स्पीड कितना हो रहा है 20, मतलब तुरंत कहां है
आगे ना है तो बल भी किधर लगेगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, आई के, सही कि नहीं? आप ऐसे भी बना सकते थे कि एफ बराबर, आप हम नहीं कर रहे हैं कि ऐसे बनाना कैसे बनाना है, जो जखने मन में सेट कर दिया जैसे लगा देना एकदम हिसाब को, एफ बराबर डेल्टा पी बाई फाइनल मोमेंटम माइनस बटा डेल्टा फाइनल मोमेंटम बोलो 40 आई कैप आए आई कैप आ समय के बारे में पता ओ सब समय घबरा दिया कौन घबरा दिया अच्छा तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अरे बोल एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय एवरेज वेलोसिटी बराबर यू प्लस वी बटा दो वाला कहानी याद है यू प्लस वी बटा हाँ हम रियाज करा रहे फॉर्मूला का हम नहीं करेंगे ऐसे बनाओ कैसे बनाओ आप जो इच्छा जो बनाओ बराबर 100 बटे डेल्टा तो डेल्टा टी का मान बोलो कितना आएगा 200 बटा 30 ना 20 बटा 3 20 बटा मतलब ये आंसर आएगा 20 आई कैप बटा 20 बटा 3 बराबर 3 आई कैप आया कि नहीं आएगा ऐसे बना सकते हैं आप क्लियर हुआ कि नहीं लेकिन हम इसमें एक फॉर्मूला आपको कहूंगा कि दिखाएं एवरेज भेज लो बराबर यू प्लस भी बटे दो यू प्लस भी बटे एक करा लेते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर पर भी मान लिया जाए कि 2 किलो का ब्लॉक 10 के स्पीड से जा रहा था और ये जो है 2 सेकेंड में कितना देरी में 100 मीटर दूरी तय किया 2 सेकेंड में कितना दूरी तय किया 100 मीटर दूरी तय किया फाइंड फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक फाइंड फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक बताओ कि 2 किलोग्राम की वस्तु पर कितना बल लगा आप लिखेंगे कि फोर्स बराबर मास इनटू एसी एक्सेलरेशन लगाने के लिए क्या लगाएंगे आप हाफ एटी एस का मान बोलिए यू का मान टी का मान प्लस ए का पता नहीं है दुदुनी तो 100 माइनस 20 80 बराबर कितना ए बराबर तो बताओ सही कि नहीं आप चाहें तो यहां से बना सकते हैं मोमेंटम से यहां से बना सकते हैं आप मोमेंटम से देखिए ऐसे इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है यू प्लस वी बटे एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम यू का मान 10 वी का मान पता नहीं या बटे 2 से 2 वी बराबर 90 भी बराबर इसलिए फोर्स बराबर फाइनल मोमेंटम बनते कि 90 गुना 2 बराबर 100 इनिशियल मोमेंटम बराबर 10 गुना 2 बराबर अब बटा टाइम कितना लगा 160 बटा बराबर बोलो 80 मिनट सही के लिए ये बात आपको ही पता चलता होगा कि बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी बराबर यू प्लस भी बटा दो समझ के नहीं तभी हमारा कोई मकसद न्यूटन ऑफ मोशन का पढ़ाने करवा रहे थे हम वास्तव में आपको हमें बता रहे थे कि v बराबर u + at s बराबर ut + half at स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर + 2as इन सभी तरीका से आप पहले ऐसे से निकालें और इसे उनको जाके मास में गुणा कर दें हो गया फोर्स बराबर मास इनटू एसी समझ आया कि नहीं ठीक अगला सवाल देखिए मान लीजिए एक ट्रक है क्या एक ट्रक जो जा रहा है 10 मीटर पर और इस पर मान लो कि रुई लोड है क्या लोड है रुई बारिश के कारण किस कारण बारिश के कारण ड्यू टू रेन बारिश के कारण ट्रक का जो द्रव्यमान है मास ऑफ ट्रक इनक्रीजेज इन क्रीजेज 4 kg per second 4 kg per second के हिसाब से ट्रक का वजन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि रुई लोड है बारिश पड़ेगा तो रुई पानी को एब्जॉर्ब करेगा सोखते जाएगा
है कि नहीं? इस कारण से ट्रक का वजन क्या होता जा रहा है? अगर इसी तरह से ट्रक का वजन बढ़ा तो फिर चाल घट जाएगा। आप देखते होंगे कि आप एक दोस्त, आपका दोस्त साइकिल चलाते जा रहा है, आप चुपके से पीछे फान जाइए, तुरंत स्पीड डाउन, तुरंत स्पीड डाउन हो जाए। आप कोई दोस्त आगे चलाते जा रहा है और आप अचानक उसको बताएं पीछे से फान जाओ, तुरंत स्पीड क्या हो जाएगा उसका? डाउन हो जाएगा, कम जाएगा। तो अगर ये बारिश पड़ता है तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका? डाउन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसे लोग बोलता कि पहले ढकेल के चढ़िए, है कि नहीं? दोस्त लोग बोलेगा कि हम ऊंचा जी बोले कि ढकेल के चढ़िए, ढकेलो उसके बाद चढ़ो, क्योंकि ढकेलेगा थोड़ा स्पीड धर लेगा ज्यादा, बल लगाने से मोमेंटम बदलेगा और उसके बाद फिर तुम बैठेगा तो मोमेंटम सेम रहने के चक्कर में मास बढ़ेगा तो वेलोसिटीया घटेगा, सही कि नहीं? ये कहानी थोड़ा सुन लो, फिर बाद में हम लोग पढ़ाएंगे आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण। शुरू में क्या होता है कि दोस्त जा रहा था कि चलाते हम चढ़ने वाले हैं उस पर, हम पे धक्का देते हैं, तो धक्का दे के फिर क्या कर देते हैं? स्पीड बढ़ा देते हैं। देखो हुआ क्या, आपने बाहर से बल लगाया साइकिल पर तो साइकिल के मोमेंटम में बदलाव आया, मास तो वही है साइकिल का अभी भी, लेकिन वेग क्या हो गया है? बढ़ गया आपके धक्का देने से, तो मोमेंटम तो बदल गया। अब देखिए कि मोमेंटम बदला, इसलिए वेलोसिटी बढ़ा ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका दोस्त आगे जाते जा रहा है, आप उसको धक्का दिए पहले, तो धक्का देने से बाहर से बल लगा, और यदि किसी वस्तु पर बाहर से बल लगे तो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगी, तो 10 का स्पीड मान लो कितना हो गया? 20। अब 20 का स्पीड धर लिया, अब तुम साइकिल छोड़ दिया, 20 से जा रहा है, अब कि फान जाते इस पर, तो फाने के दौरान तो बल नहीं लगते, बिना बल अब बल लगे पहले स्पीड कर दिया 10 के 20, अब क्या करेंगे उस पर? बैठेंगे, तो जिसमें आप बैठेंगे मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा। वो कहानी को पहले छोड़ दो, अब तुम धक्का जो दिया स्पीड बढ़ गया, अभी से कहानी हटाओ, तूने बल लगाया तो अवस्था में परिवर्तन हुआ भाई, तो सही बात है। अब तुम देख रहे कि जा रहा है साइकिल 20 से, तुम भी जा रहा दौड़ते 20 से, जा रहा दौड़ते 20 से, बगल साइकिल जा रहा 20 से, ढकेल दे किया था, अब तुम कोशिश में कि जैसी साइकिल के स्पीड के बराबर हमारा स्पीड होगा हम फान जाएंगे, तो फानने वक्त बल थोड़े लग रहे, तुम तो बल पहले लगा दिया ना, 10 से कितना हो गया? 20। अब तुम उसको फानने वाला है तो फानने वक्त बल लगते, तुम आराम से गया बैठ गया, छलांग लगा क्या हो गया? बैठ गया, उससे तो बाहर से बल नहीं लगा, और अगर बाहर से बल नहीं लगे तो बस तो अपनी अवस्था में बदलाव मैंने बस तो अपना संवेग में परिवर्तन नहीं करेगा। अब संवेग बदलना नहीं चाहिए बैठने के बाद, लेकिन मास तो बढ़ गया, इसलिए वेलोसिटी को घटना होता है ताकि वहां मास गुने वेलोसिटी के मान में कोई बदलाव नहीं आए, क्योंकि जब तक किसी वस्तु पर बाहर से बल नहीं लगेगा तो मोमेंटम सेम होना चाहिए। हाँ, मोमेंटम में परिवर्तन की दर को बदलाते हैं, मोमेंटम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल नहीं लग रहा है, और हम देखिए कि बच्चा फान गया है उस पर, बल नहीं लगाया, बल पहले लगा दिया था, बल पहले लगाया 10 का स्पीड 20 हुआ, सब कुछ हो गया, अब खाली बच्चा दौड़ रहा है 20 से साइकिल जा रहा है 20 से, अभी फिराक में कब हम इस पर फान जाए, जो उस पर फान जाएगा उसमें बल लग ले, उसमें कहां बल धक्का होगा लग ले, बस फान गया लेकिन मास तो बढ़ गया, मास बढ़ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा वहां? तुरंत डाउन। क्यों? क्योंकि मोमेंटम को सेम रखना है, मोमेंटम को सेम। इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण, कि जब तक किसी वस्तु पर बाहर से बल ना लगाया जाए वस्तु का मोमेंटम बदलने का चीज नहीं है। आप जैसी मैं इसीलिए कोई बच्चा जाते रहता है और कोई बिना बोले फान गया, बिना बल लगाया क्या हो गया? वो फान गया, तो अब चूंकि आप मैंने बल लगाया नहीं बस फान गए, इसका मतलब मोमेंटम तो सेम होना चाहिए, इसे मोमेंटम सेम होने के चक्कर में मास एक देने बढ़ता है, वेलोसिटी एक देने घट जाता है, ताकि मास गुने वेलोसिटी वहीं का वहीं रहे। पहले मास था 2, अब वेलोसिटी था 10, तो 10 दूनी 20 था मोमेंटम, पहले मास था कितना? 2, अब वेलोसिटी था 10, तो 10 दूनी 20, बच्चा के फानने से मास हो गया 10, 8 किलो का बच्चा फान गया, 8 किलो वाला 8 2, अगली वेलोसिटी हो जाएगा 2, ताकि 10 गुना 20 अभी भी था और पहले भी 10 गुना 20, मोमेंटम नहीं बदलेगा। खरी कहानी भी सुनाए आपको, बाद में चलकर टॉपिक पढ़ाया जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें होगा तो थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन और आगे जाके चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, चैप्टर का नाम है पूरा, आपको अच्छे से पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, कि जब तक किसी वस्तु पर बाहर से बल न लगाया जाए वस्तु का मोमेंटम बदलने वाला नहीं है, अगर कोई मोमेंटम बदला है तो पक्का बल लगा होगा, है कि नहीं? खैर यहां पर समझो पहले, तो हम इसे बेसिक से करके दिखाएंगे फिर फॉर्मूला से भी। तो बारिश कारण ट्रक का वजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है 4 kg/s, हमें निकालना है। अच्छा बताओ, अगर ऐसा होता है तो स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना भाई, स्पीड क्या हो जाएगा इसका? घट जाएगा। सवाल क्या है?
फाइंड रिक्वायर्ड फोर्स, रिक्वायर्ड मतलब जितना जरूरत है, कितना बल की आवश्यकता है, फाइंड रिक्वायर्ड फोर्स टू मेंटेन इट्स वेलोसिटी, टू मेंटेन इट्स वेलोसिटी, बताओ इसके वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही बारिश पड़ता है तो स्पीड तो घट जाएगा, अगर आपको स्पीड मेंटेन रखना है 10 का 10 तो बताओ कितना बल की आवश्यकता पड़ेगी, रिक्वायर्ड कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, कितना फोर्स आपको चाहिए टू मेंटेन इट्स वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी को कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए, सही के लिए कितना बल आपको लगाते रहना चाहिए ताकि स्पीड 10 से घटे नहीं, क्योंकि आप अगर बल नहीं लगाएंगे तो स्पीड घटना ही घटना है, सही के लिए हम एकदम बेसिक से आपको बना के दिखाते, फिर फॉर्मूला पर बना के दिखाएंगे। माना कि पहले ट्रक का मास कितना था, एक सेकेंड बाद क्या ट्रक का मास m प्लस 4 हो गया है, हाँ 4 केजी पर सेकेंड से मास बढ़ रहा है, 4 केजी पर सेकेंड से मास, तो अगर अभी ट्रक का मास जस्ट एट टाइम अभी m है तो एक सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, m प्लस, लेकिन हमने लिखा है कि वेलोसिटी में कोई बदलाव होना पहले भी जा रहा था 10 से और अभी भी जा रहा है वो 10 से, कितना देर के बाद, तो हम अपना कहानी शुरू करते हैं। फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन फाइनल मोमेंटम बराबर 10m + 40, अरे बोल 10m + 40, इनिशियल मोमेंटम बराबर 10m, इनिशियल मोमेंटम बराबर इतना, कितना देरी में, कहानी बराबर 40, सही कि नहीं, 40 मिनट आपको बल लगाते रहना पड़ेगा, तब अगर ये क्या रहेगा मेंटेनेंस में, होने के लिए या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आइए, हमने आपको फॉर्मूला लिखा के रखा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे फॉर्मूला लगा देना भैया vdm/dt, अरे लिखा है फॉर्मूला vdm/dt, डी का मान बोलो 10 है ना, और dm/dt बराबर 4, मास के बढ़ने की दर, इसे ले ना, मास के बढ़ने के समय के साथ साथ मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4 केजी पर सेकंड बराबर, समझ आया सवाल कि नहीं, लिख लो।